बैक माई चैनल एम डी ए आर ब्लॉग। मैं हूँ सहन साहे छत्तीसगढ़ हजरत सईद शेर अली आगा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी पे। तो देखिए हम पहुँच गए हैं सहन साहे छत्तीसगढ़ हजरत सईद शेर अली आगा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी पे। तो यहाँ जो है चिल्ला लगता है खानकाह अशरफिया हसनिया, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है पूरा। ये देखिए मैदान खाली, उर्स की तैयारी जो है चल रही है जोरों से। उर्स की सबसे पहले आस्थाने आलिया को दिखा देते हैं, ये पूरा काम चल रहा है और यहाँ जो है उर्स का प्रोग्राम होने वाला है। तो उर्स जो है 7 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ ये देखिए इस तरह से मार्केट का नज़ारा है। तो मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं आपके दयार की हाजिरी नसीब कर पाया, वो भी उर्स से पहले। इंशाल्लाह आपका फैजान होगा, आपका करम होगा, तो मैं फिर से आपके दयार पर हाजिरी का हासिल करूँगा। इधर देखिए तामीरी काम चल रहा है और यहाँ सिन्नी चादर वगैरह की दुकानें लगाई गई है। इसका की अजान भी होने लग गई है, पोस्टर जो है छप गए हैं। तो कल मैं आऊँगा आस्थान आलिया में तो आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ये देख सकते हो आप। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हुजूर शहनशाह छत्तीसगढ़ हजरत सैयद शेर अली आगा का फैजान करम होगा तो मैं आपके दयार में उर्स में ज़रूर शिरकत करूँगा। और आपने इस नाचीज को बुलाया तो उर्स के प्रोग्राम में हाजिर हो गया। तो देख सकते हैं आज जो है 8 नवंबर है और जो उर्स का प्रोग्राम है शहनशाह छत्तीसगढ़ हजरत सैयद शेर अली आगा रहमतुल्लाह अलैह का, वो 13 नवंबर तक है। आज पूरी तफसीलात के साथ आपको मुकम्मल जानकारी दूंगा कि उर्स कब से कब तक है, रहना कहाँ है, खाना कहाँ है और भी सारी चीज़ें मालूमात, प्रोग्राम कैसे होने वाले हैं, कब से कब तक। तो देखिए अभी मैं जो हूँ मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से गोंदिया बरौनी से आया हूँ और अब जो है दोपहर का टाइम है। तो आज बिफोर टाइम थी, मतलब एकदम राइट टाइम में थी, तो मैं पहुँच गया हूँ फाइनली शहनशाह छत्तीसगढ़ हजरत सैयद शेर अली आगा की दर के पास। तो देखिए यहाँ जो उलन मार्केट लगा हुआ है और इस तरह से पूरी अभी दोपहर का माहौल है। स्वेटर जैकेट वगैरह जो आप सस्ते प्राइस में ले सकते हैं, उलन मार्केट जो बाहर से आए हुए जो रहते हैं वो लगाते हैं। इसके बाद हम आपको रात का नज़ारा और मार्केट का नज़ारा दिखाने वाले हैं। हेलो गाइस, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। मैं आ गया हूँ शहनशाह छत्तीसगढ़ अजय सैयद शेर अली आगा की बारगाह में। तो मैं आया हूँ आयजू बच्चा के साथ, हम लोग फातिहा पढ़ के आ गए हैं। देख सकते हैं कि डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत हुआ है। अभी हम लोग बाजार शरीफ के अंदर से आए हैं तो आपको दोपहर का नज़ारा और रात का नज़ारा पूरा दिखाएंगे। आज जो है नातिया प्रोग्राम है तो पूरी तफसीलात के साथ आपको बताया जाएगा कि आप रुक कहाँ सकते हैं और प्रोग्राम कब से कब तक है। अभी हम लोग जा रहे हैं हजरत पंडित अली शाह अस्पताल वाली बाबा की दरगाह शरीफ में। पहुंच गए हैं आस्थान आलिया हजरत बंदे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अस्पताल वाले बाबा के दरगाह शरीफ के पास। तो सिन्नी चादर फूल वगैरह की दुकानें लग चुकी हैं, तो चलिए यहीं पास लगा देते हैं। आ गए हैं आयजू बच्चा के साथ, आप अपना नाम बता दो। हयात फातिमा। और हयात फातिमा अभी पढ़ाई करा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी पर, तो चलिए अंदर चलते हैं। चलिए ये देखिए, तो यहाँ जो है हजरत सैयद अस्पताल वाले बाबा ने हजरत सैयद बाबा 7 नवंबर से 11 नवंबर यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है। परचम खुदाई 7 नवंबर को संजरी ग्रुप का नाट्य प्रोग्राम कल हुआ था, 8 नवंबर को नातिया महफिल चिश्तिया ग्रुप और 10 को संदल और चादर को इस तरह से पूरी डिटेल दी हुई है। और ये देखिए आस्थान आलिया को कुछ इस तरह से सजाया गया है। हुजूर बंदे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी पर हम पहुंच गए हैं।
भाई लंगर चल रहा है, चलिए लंगर खा लेते हैं। नहीं, लंगर खा लेते हैं। लंगर खा लेते हैं। लंगर खा लेते हैं। तो गाइज इस तरह से हम लोग हजरत सैयद बंदे अली शाह उर्फ अस्पताल वाले बाबा रहमतुल्ला अलैह के आस्थाने से ज्यारत करके और फातिहा पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिए पुरनूर माहौल है, आप चाहे हुजूर बंदे अली शाह रहमतुल्ला अलैह के आस्थाने पर देखें या शहनशाह छत्तीसगढ़ हजरत सैयद शेर अली आगा की बारगाह में। तो आपको बता दूँ हुजूर बंदे अली शाह रहमतुल्ला अलैह और हुजूर शहनशाह छत्तीसगढ़ हजरत सैयद शेर अली आगा का उर्स का आगाज जो है सेम डेट पे होता है, मतलब 7 नवंबर को चादर पोसी है और 11 नवंबर को जो है कुल शरीफ होगा। और प्रोग्राम कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि 7 नवंबर को चादर पोसी हुई, फिर 8 नवंबर को नातिया मुशायरा जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जो कि कल रात में हुआ था उसमें हलचल सिवानी शहबाज रजा नूरी यूसुफ कल्प कत्तवी और शम्स कल्प कत्तवी और जमजम फतेहपुरी अख्तर रजा नूरी ये तमामी शोरा इकराम तशरीफ़ लाए थे। तो पुरनूर माहौल था और आपको बता दूं 9 नवंबर को जो है तकरीरी प्रोग्राम है जिसमें आले नबी फरजंदे गौश आजम हुजूर सैयद आलमगीर अशरफ की तकरीर और रिवान पासा की तकरीर होने वाली है। और आपको बता दूं 10 मुहर्रम को खसूसी तकरीर हुजूर सैयद महमूद अशरफ मदद जिल्लुल नूरानी की तकरीर होने वाली है। और इधर देख सकते हैं मार्केट लगा हुआ है, साथ में आपको सेकेंड हैंड बाइकों का कलेक्शन जो है हुजूर सैयद शेर अली आगा रहमतुल्ला अलैह की दरगाह के पास है वहाँ है। तो सिरनी चादर वगैरह फूल वगैरह तो लगते ही हैं, झूला वूला पूरा बाकायदा है। तो इस तरह से पुरनूर माहौल है। और आपको बता दूँ 11 नवंबर को जो है ज्यारत तबरुकात होगा और 13 नवंबर को जो है छोटा कुल शरीफ होगा और 13 नवंबर को जो है छोटा मजीद 16 का प्रोग्राम है कव्वाली का। इस तरह से देख सकते हो जो कि उर्स के माहौल में मीठा हलवा जिसको बोलते हैं सोहन हलवा वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लुत्फ उठा सकते हैं जिसमें 200 रुपये किलो के आसपास है। और यह नूरानी मंदिर जो है दरगाह शरीफ के आसपास का है। और आपकी जानकारी की बता दूँ हुजूर सैयद शेर अली आगा ट्रस्ट की जानिब से बाहर से आए हुए जायरीनों के लिए अलग से रहने के लिए इंतज़ाम जो है पंडाल लगाया गया है और लंगर जो है सुबह शाम चलता है। चाहे आप तो आप हुजूर बंदे अली शाह रहमतुल्ला अलैह के आस्थाने के पास जो लंगर खाना है वहाँ से अंदर जाएंगे तो वहाँ रहने के लिए जो है पंडाल लगाया गया है। लास्ट ईयर जब मैं गया था वहाँ देखा था तो पूरा इंतज़ाम किया गया है। तो इस तरह से आप दो टाइम जो है सुबह शाम लंगर भी तनावल कर सकते हैं और रहने की भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी जो है उर्स का प्रोग्राम 11 नवंबर तक चलने वाला है और छोटा मजीद 16 की जो कब्बाली है वो 13 नवंबर को हुजूर सैयद शेर अली आगा ट्रस्ट की जानिब। आज था नातिया मुशायरा और आज अब रात में 9 नवंबर हो गया है तो हलचल सिवानी जब भी पढ़ रहे हैं तो आप पता नहीं हो सकता है 3:30 बजे रात तक जो है मुशायरा चलेगा। चलिए अब घर चलते, नींद भी आने लगे और कल को आपको जो भी रहेगा वो